दुनिया के 10 सबसे महंगे डॉग्स 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग्स। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 340 नस्ल के डॉग्स पाए जाते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले सभी नस्ल के डॉग्स की अपनी अलग अलग खासियत होती है और इसी खासियत के अनुसार डॉग लवर्स के बीच उनकी कीमत भी तय होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में डॉग्स के कुछ नस्ल की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक डॉग की कीमत में एक शानदार कार खरीदी जा सकती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे महंगे डॉग्स के बारे में बताते हैं। जितनी ज्यादा उनकी कीमत है, उससे कहीं ज्यादा शानदार उनकी खूबसूरती और उनका बिहेवियर है। यही वजह है कि लाखों रुपए कीमत होने के बावजूद भी इन्हें खरीदने वाले लोगों की लाइन लगी होती है। नंबर 10, अफगान हाउंड। अफगान हाउंड मूल रूप से अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसके पूरे शरीर पर लंबे सिल्की बाल पाए जाते हैं, जो कि इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। कुत्ते की इस नस्ल को पहली बार ब्रिटिश ऑफिसर 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप लेकर गए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अफगान हाउंड की लंबाई 64 से 69 सेंटीमीटर और इसका वजन 23 से 27 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसका लाइफ स्पैन 11 से 13 सालों का होता है। अफगान हाउंड कुत्ते की सबसे पुरानी नस्ल में से एक है, जो कि इस दुनिया में लगभग 8000 सालों से रहते आ रहे हैं। इसके शरीर पर मौजूद लंबे सिल्की बाल कई अलग अलग रंगों में हो सकते हैं। इसके लंबे बालों की वजह से इसे हर दिन स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। अफगान हाउंड नस्ल के कुत्ते की कीमत लगभग 5,20,000 रुपए है। नंबर 9, फेरोवा हाउंड। फेरोवा हाउंड माल्टा का नेशनल डॉग है। माल्टा में इस कुत्ते को केल्ब तल फेनेक कहा जाता है, जिसका मतलब रैबिट डॉग है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सदियों से इस कुत्ते का उपयोग खरगोश के शिकार में किया जाता रहा है। इस कुत्ते की लंबाई 56 से 63 सेंटीमीटर तक, वजन 20 से 25 किलोग्राम तक और लाइफ स्पैन 11 से 14 सालों का होता है। इसके दौड़ने की स्पीड और शिकार करने की काबिलियत कमाल की होती है। एक बार शिकार के पीछे जाने पर यह शिकार को पकड़कर ही वापस लौटते हैं। फेरोवा हाउंड को बेहतरीन फैमिली डॉग भी माना जाता है और ये लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। हल्की सी आहट को भी ये काफी दूर से सुन सकते हैं। इस नस्ल के कुत्ते की कीमत 5,55,000 रुपए है। नंबर 8, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो कुत्ते की सबसे शक्तिशाली नस्लों में से एक है। कुत्ते के इस मस्कुलर ब्रीड को बिग गेम हंटिंग के लिए 1928 में कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग और ग्रेट डेन से विकसित किया गया था। अपने ताकतवर शरीर की वजह से डोगो अर्जेंटिनो बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। नॉर्मल डॉग्स के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होने की वजह से यूनाइटेड किंगडम, कोलोराडो और न्यूयॉर्क सिटी में डोगो अर्जेंटिनो को घर में पालने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस कुत्ते की लंबाई 60 से 68 सेंटीमीटर, वजन 40 से 45 किलोग्राम और लाइफ स्पैन 12 से 14 सालों का होता है। मस्कुलर बॉडी होने की वजह से इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। बेहतरीन शिकारी होने के साथ ही ये सबसे बेहतरीन फैमिली पेट भी साबित होते हैं। इस मस्कुलर डॉग की कीमत लगभग 5,94,000 रुपए है। नंबर 7, कैनेडियन एस्किमो डॉग। कैनेडियन एस्किमो डॉग कुत्ते के सबसे पुराने नस्ल में से एक है। ये एक वर्किंग डॉग है जो कि अब विलुप्त तो होने की कगार पर पहुंच चुका है। कुत्ते की इस नस्ल का संबंध मूल रूप से साइबेरिया से है। साइबेरिया से लगभग 1000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए। इस कुत्ते की लंबाई 58 से 70 सेंटीमीटर और वजन 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। वर्किंग डॉग होने के नाते बर्फीले इलाकों में सामान ढोने के काम में एस्किमो डॉग का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है, लेकिन 1960 के दशक तक स्नोमोबाइल्स के आ जाने के बाद इन कुत्तों की जरूरत भी खत्म होने लगी, जिससे इनकी संख्या में कमी आने लगी और फिर इन्फेक्शियस कैनिन डिजीज के फैल जाने की वजह से इनकी संख्या में भारी गिरावट आ गई। इस नस्ल के कुत्ते लॉयल, टफ, ब्रेव, इंटेलिजेंट और अलर्ट होते हैं। साथ ही मालिक के साथ इनका रिश्ता भी काफी गहरा होता है। वर्तमान समय में दुनिया में मात्र 300 कैनेडियन एस्किमो डॉग्स ही बचे हैं। इस नस्ल के कुत्ते की कीमत लगभग 6,50,000 रुपए है। नंबर 6, रॉटवीलर। रॉटवीलर वर्किंग डॉग की सबसे पुरानी नस्ल में से एक है। रॉटवीलर का संबंध मूल रूप से जर्मनी से है। इस नस्ल के कुत्ते सदियों से पालतू पशुओं के झुंड की सुरक्षा और मांस लदे कार्ट्स को खींचकर मार्केट पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। 19वीं सदी में जब रेलवे ने सामान ढोने का काम शुरू किया, तब इन कुत्तों का बोझ थोड़ा कम हो गया और फिर इनका मुख्य काम जानवरों के झुंड की सुरक्षा करना ही रह गया। वर्तमान समय में इनका उपयोग सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स, गार्ड डॉग्स एंड पुलिस डॉग्स के रूप में भी किया जाता है। इस कुत्ते की लंबाई 24 से 27 इंच और वजन 50 से 60 किलोग्राम तक होता है। वहीं इनका लाइफ स्पैन केवल 8 से 10 सालों का होता है। अपने काम में माहिर होने के साथ ही ये कुत्ते एक बेहतरीन फैमिली डॉग भी साबित होते हैं।
रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते की कीमत लगभग 6,67,000 रुपए है। नंबर 5, अजावाक। अजावाक वेस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाली कुत्तों की सबसे बेहद ही दुर्लभ नस्ल है। ये एक हंटिंग डॉग है और इसके चंगुल से शिकार का बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इसकी लंबाई 64 से 74 सेंटीमीटर तक और वजन मात्र 20 से 25 किलोग्राम तक होता है। वहीं का लाइफ स्पैन 10 से 12 सालों का होता है। लंबाई ज्यादा और वजन कम होने के कारण कुत्ते की नस्ल काफी दुबला नजर आती है। इसके शरीर की हड्डियां साफ साफ झलकती हैं। अजावाक के स्किनी अपीयरेंस को पहली बार देखकर कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुत्ते किसी बीमारी के चपेट में है। अजावाक नस्ल के कुत्ते की कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। नंबर 4, तिब्बतन मैस्टिफ। तिब्बतन मैस्टिफ दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है, साथ ये काफी दुर्लभ भी है। इस कुत्ते का पूरा शरीर लंबे बालों से ढका होता है जो इसे यूनिक लुक देता है। इसकी लंबाई 66 से 73 सेंटीमीटर तक और वजन 55 से 90 किलोग्राम तक होता है। इसके सर के चारों ओर मौजूद लंबे बाल इसे कुछ हद तक शेर की तरह लुक देता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि इस कुत्ते का संबंध तिब्बत से है। इस कुत्ते का उपयोग पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। तिब्बतन मैस्टिफ तेंदुआ और भालू जैसे खतरनाक जानवरों को भी हराने की क्षमता रखते हैं। समय के साथ ही दुनिया के इस कुत्ते की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसकी कीमत भी बढ़ती गई। वर्तमान समय में एक तिब्बतन मैस्टिफ की कीमत लगभग 7,50,000 रुपए है। नंबर 3, चाओ चाओ। चाओ चाओ का संबंध मूल रूप से चीन से है और ये चीन में पाए जाने वाली कुत्तों की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। क्यूट अपीयरेंस की वजह से इस कुत्ते के चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। गोल मटोल चाओ चाओ के बॉडी के ऊपर मौजूद घने बाल की वजह से ये शेर के छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। कुत्ते की इस नस्ल की लंबाई 17 से 22 इंच तक, वजन 18 से 41 किलोग्राम तक और लाइफ स्पैन 11 से 13 सालों का होता है। चाओ चाओ बेहतरीन पेट डॉग साबित होते हैं, लेकिन ये थोड़ा जिद्दी भी होते हैं और अपनी देखभाल करने वाले लोगों के प्रति ये ओवर प्रोटेक्टिव भी बन जाते हैं। इस क्यूट डॉग की कीमत 8,15,000 रुपए है। नंबर 2, लाओशियन। लाओशियन कुत्ते के सबसे छोटे नस्ल में से एक है। इसके छोटे आकार की वजह से इसे टॉय डॉग और अपीयरेंस की वजह से इसे लिटिल लायंस भी कहा जाता है। इसकी लंबाई मात्र 12 से 14 इंच और इसका वजन 5 से 8 किलोग्राम तक होता है। 1973 के आसपास लाओशियन विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका था और उस समय इस नस्ल के केवल 65 कुत्ते बचे थे। आज भी इसकी संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, इस वजह से इनकी रेरिटी बनी हुई है। लाओशियन नस्ल के कुत्ते की कीमत लगभग 8,90,000 रुपए है। नंबर 1, सैमुएट। सैमुएट एक वर्किंग डॉग है जिसका उपयोग पालतू पशुओं के झुंड की निगरानी करने के लिए किया जाता है। कुत्ते की यह नस्ल अपनी खूबसूरत और क्यूटनेस के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इनका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है और फेस ऐसा है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हर वक्त मुस्कुराते ही रहते हो। सैमुएट नस्ल के कुत्ते की लंबाई 51 से 56 सेंटीमीटर और इसका वजन 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसका लाइफ स्पैन 12 से 14 साल का है। इस नस्ल के कुत्ते बच्चों के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा दूसरे पालतू जानवरों के साथ भी इनकी अच्छी बनती है। सैमुएट नस्ल के कुत्ते की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट डॉग कौन सा है कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।